Hello friends, welcome to abhipedia defense online classes. मेरा नाम है अतुल सांभरिया और आज हम इस क्लास के अंदर या हम कहेंगे इस सेशन के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है कहां से, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2019. हाँ, CAPF AC एग्जाम 2019 से. देखिए, इस एग्जाम का रिजल्ट अभी अभी आया है जो कि रिटर्न रिजल्ट है. जिन्होंने इसको क्रैक कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई. और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को 3 बार क्रैक किया है और इस प्रोसेस के थ्रू मैं कई बार जा चुका हूं, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बार अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है. ठीक है, देखिए अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट जब भी यूपीएससी का पेपर का जो पहला पार्ट, जब भी रिटर्न का जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले हम जब डेफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं. देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जो पहली डेट बहुत जरूरी है वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, मैंने लगवा दी है 30th October 2019. 30 अक्टूबर 2019 को अगर आपका CAPF का पहला जो अगर आपका रिटर्न पार्ट क्रैक हो गया है तो CAPF का ये एग्जाम के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए 30 अक्टूबर 2019 को यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, और यहां पे आपको ये भी ध्यान देना है कि एंड डेट कौन सी है. एंड डेट है 30th of November 2019. ठीक है, देखिए पहली बात ये आपने ध्यान रखनी है कि आप अगर ध्यान से सोचें तो इसमें दोनों डेट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि डेफ कोई नॉर्मल आप फॉर्म नहीं होता जो आपने आधा घंटा एक घंटा लगाया और भर दिया. नहीं, आपको 30th November या फर्स्ट से ही आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वो फॉर्म भरे, क्योंकि सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद उसका एनालाइज करवाना है. ठीक है, पहले उसके बाद फिर आपको एनालाइज करवाना है. एनालाइज करवाना मतलब कि आपके जो सीनियर हैं आप मुझे भी भेज सकते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका कहां पे, atul@abhipedia.com. ये आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको डाल दूंगा. सॉरी, atul@abhimanyu.com के ऊपर आप अपना डेफ भरिए, उसका प्रीव्यू पहले डाउनलोड हो जाता है, वो आप मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा एनालाइज करके कि उसके अंदर क्या कोई कमी है. अगर कोई कमी है तो आपको गाइड करूंगा और उसके बाद ही अपना फाइनल सबमिशन कीजिएगा. इसीलिए मैं कह रहा हूं 30 नवंबर से ही, जैसे ही ये फॉर्म भरा जाना होता है स्टार्ट, तभी आप एकदम से अपना स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म भरना, ताकि 30th November, बल्कि आप कोशिश कीजिए 10 दिसंबर तक ही आप अपना कंप्लीट कर सकें. अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेफ क्यों है, कि डेफ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है. मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप पहले भरिए फिर डाउनलोड कीजिए उसके बाद ही सबमिट कीजिए. देखिए, सबसे पहला जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि पहली चीज है कि जब भी आप जो डेफ भरते हैं, डेफ में बहुत छोटी छोटी सारी आपकी डिटेल्स भरवाई जाती है. यूपीएससी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट में इसका यूज करता है. तो पहला पॉइंट जो डेफ को बहुत इंपॉर्टेंट करता है वो है इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. आपकी पूरी पर्सनैलिटी को आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, कोई भी उसके अंदर कोई भी आप छोटी छोटी बात लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे डेफ के अंदर, ये सब कुछ मैटर करता है. जब इंटरव्यू बोर्ड पे आप जाओगे तो आपका डेफ उनके पास होगा. और यहीं आ जाती है अगली इंपॉर्टेंट चीज कि 90% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कहां से होंगे आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से ही होंगे. ओके, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब भी हम देखेंगे तो जितने भी बॉक्सेस हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको सेशन के आने वाले पार्ट में कि कैसे कैसे आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिखता, कैसे और कैसे भरना है आपने. लेकिन ध्यान रखना कि आपके 90% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पूछे जाएंगे डेफ से. और यहीं पर अपनी अगली इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आप अपने डेफ को अच्छे से भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरते हैं, तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं और आप अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, रादर देन बहुत तेज आपको जल्दी जल्दी आप भर दें. इससे बेटर कहीं होगा कि आप आराम से भरिए उसे
30 तारीख से ही, और धीरे धीरे अब मेरे को भेजिए आप, और उसके बाद फिर पूरा एनालाइज करके या अपने किसी सीनियर को दिखा के उसके बाद ही फाइनलाइज कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डेफ भरते टाइम आपको और क्या क्या माइंड में रखना है। वैसे तो इन सब बातों की हम आगे भी बात करेंगे जब आपको डेफ दिखाऊंगा मैं अभी। अब देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि कोई भी आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसे कहते हैं अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, हमें कई बार कॉम्प्लेक्स होता है कि यार बाकियों में ज्यादा मार्क्स हैं या हमारा कुछ भी है, हमारे पास इतनी अचीवमेंट नहीं, क्योंकि डेफ में सब कुछ भरना होता है। तो अपने को क्या लगता है कि हमें कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देना चाहिए या फिर कुछ झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने। जो आप सच कह रहे, आपके कितने भी परसेंट मार्क्स आए हों, आपने चाहे किसी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है नहीं किया, ठीक है, आप क्लास में फर्स्ट आए नहीं आए, कोई भी बात है वहां पे, अगर आप एग्जाम क्रैक करके जा रहे हो, आप अपनी स्पोर्ट को अर्न कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि आपको अपने जो भी प्रोफाइल है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और थोड़ा भी झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी एक भी माल इंफॉर्मेशन आपने वहां प्रोवाइड नहीं करनी है, ओके। अब ये देखिए अगला पॉइंट बहुत अच्छा है कि डू नॉट मिस एनीथिंग, समझ रहे हो, मतलब कि आप अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ मिस मत कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को ग्रेजुएशन चाहिए होती है। सीएपीएफ एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन तो आपने अपने एजुकेशन डिटेल्स के अंदर मेंशन करनी करनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पीजी भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, या फिर पीजी डिप्लोमा किया है, ठीक है, या आपने पीजी डिप्लोमा किया है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है ऐसा कुछ किया है तो इसको आपको वहां मेंशन करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है कि आपका आपने जो पीजी डिप्लोमा या आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था वो किस तरीके से यूज होगा। आपको एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, अगर बोर्ड आपको रिकमेंड करता है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने चाहिए, तो आपका ये सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन वाला और पीजी डिप्लोमा या आपकी कोई और आपने कंप्यूटर स्किल्स ली हो या कोई और कोर्स किया हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से यूज होगा। यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फाइनली कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेट किया है स्टेट लेवल के ऊपर, ठीक है, और आप लिख दो कि नहीं मैंने नेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपने आप सोचते हो कि आपको स्पोर्ट्स खेलते हो, आप टाइक्वांडो खेलते हो, आप जूडो खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, और आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया और आप लिख दो कि मैंने मेडल जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है उतना लिखिए, कैसे लिखिए, क्रिस्प फॉर्म में लिखना, बिल्कुल क्रिस्प लिखना है आपने। ये आपको मैं अभी आगे फॉर्म दिखाऊंगा एक, और वह आपको समझाऊंगा कि कैसे क्रिस्प रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफ के अंदर जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर्विस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसलिए है क्योंकि यही आपको देखिए इस जैसे कि सिविल सर्विसेज के पेपर के अंदर आजकल सर्विस आपका इंटरव्यू के टाइम पूछते हैं और यहां पे फिजिकल से पहले पूछ लेते हैं। अभी आपका फिजिकल हो है तो डेफ में ही आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस बदल मेंशन करनी है। सर्विस प्रेफरेंस मतलब कि फोर्स एलोकेशन, कि आपको पहले बीएसएफ भरना है, आईटीबीपी भरना है, सीआरपीएफ भरना है, और ये किस बेसिस के ऊपर आपको भरना चाहिए। देखिए पहली जो बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि जो कंफर्टेबल जॉब होगी जिसमें हमें होगा, तो एक क्लीशे कहते हैं कि पहले से ही लोगों ने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि यही भरना है भाई, पहले सीआईएसएफ भरनी है, फिर एसएसबी भरनी है, ठीक है, फिर आईटीबीपी भरनी है, फिर बीएसएफ भरनी है, ठीक है, और फिर सीआरपी। ये मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपने वर्दी वाली नौकरी चूज कर ही ली, जब आपने ठान ही लिया कि जब आपको अपने देश को सर्व करना है, तो इन सब का क्या फायदा है कि कौन सी जॉब आसान है कौन सी मुश्किल है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये बात बिठा लेनी चाहिए कि सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप इंटरव्यू में मार खाओगे, बता रहा हूं मैं, वो पकड़ लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। आपको देखना चाहिए कि चाहे तो सीआईएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, कोई भी फोर्स अच्छी या खराब नहीं है, सिर्फ इनका टाइप अलग अलग है और आपको सिर्फ टाइप चूज करना। आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरे को इस फोर्स में जाना है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी फोर्स है उसको आपको अपने तीन चीजों के ऊपर आपको करना है। पहली चीज क्या कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, कि इन सबका अलग अलग टाइप है,
ठीक है, सीआई सब इंडस्ट्री के लिए, एसएसबी बॉर्डर के लिए, आईटीबीपी बॉर्डर के लिए, बीएसएफ बॉर्डर के लिए, सीआरपीएफ टोटल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आपको पता है, आप तैयारी कर रहे हो, आपने पेपर क्रैक किया, आपको पता है कि सारे क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, रादर देन कोई भी पहले माइंडसेट में कोई बात बिठाना, उससे पहले आपको ध्यान देना चाहिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा पर्सनल इंटरेस्ट, कि पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपका, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपका, पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है, कि आपको किस तरह का मौसम पसंद है, क्या पहाड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल है या प्लेन्स में, ठीक है, उस हिसाब से आपने देखना। जो नेक्स्ट चीज आप कंसीडर कर सकते हो वो है प्रमोशनल एवेन्यूज। प्रमोशनल एवेन्यूज किसी में कम है किसी में ज्यादा है, मतलब कम ज्यादा का मतलब कि कहीं पे ज्यादा तेज प्रमोशन होती है आज के दिन, और कहीं पे कई फोर्सेस के अंदर प्रमोशन रिलेटिवली स्लो है। ऐसा नहीं कि प्रमोशन ज्यादा ही कुछ स्लो है, नहीं, रिलेटिवली स्लो है। आज के दिन जब हम बात करते हैं तो देखिए, कहते हैं कि एसएसबी के अंदर प्रमोशन बहुत तेज हो जाती है, बीएसएफ में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन की बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी कह रहे हैं कि बीएसएफ में 2021-22 के बाद प्रमोशन तेज हो जाएंगी क्योंकि मास रिटायरमेंट होनी है, तो इन सब बातों का भी अपने माइंड में रख के आपने अपना इंटरेस्ट बनना है, आपने अपनी सर्विस प्रेफरेंस बननी है, रादर देन कि वो भी ऐसा भर रहा था तो मैंने भी भर दिया, पिछली बार उस टॉपर ने ऐसा भरा था तो मैंने भी कर दिया, ये नहीं करना आपने, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है आपने, आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरना है। नेक्स्ट जो आप कंसिडर कर सकते हो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन खासकर देखिए, कई जो बच्चे जो टॉपर होंगे आप में जिनका सिलेक्शन होगा, वो एक्सटेंशन उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होंगे, या आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यार मैं एक और अटेम्प्ट दे लेता हूं, जो कि ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो यहां आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आपको वो तैयारी करने के लिए अगर आप एक साल का एक्सटेंशन चाहते हैं तो कौन सी फोर्स के अंदर अवेलेबल है, किसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीएफ के अंदर आपको एक साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन बीएसएफ के अंदर आपको हार्डली 4 हफ्ते का ही एक्सटेंशन मिल पाएगा, ये कोई परमानेंट इसका भी कोई रूल नहीं है, ओके, कि सीआरपीएफ में मिल ही जाएगा और बीएसएफ में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई पहले प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस ना भर दें और फिर बाद में पछताएं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर फोकस करके अपनी सर्विस प्रेफरेंस भरें, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, ये आपको बात करें, हम दिखाएंगे आपका कि डेफ एग्जैक्टली होता क्या है, देख समझ रहे कि डेफ एग्जैक्टली होता क्या है। डेफ के अंदर पहले चीज देखिए, पहला पेज होता है ये, आपने अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, पहला पेज होता है ये बेसिक इन्फो का पेज है, ये मैक्सिमम आप जो अभी तक भर चुके हैं, जो आपने प्री का ही फॉर्म भरा था स्टार्टिंग के अंदर, उसी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वही यहां आ जाएगी, वही फोटो वगैरह सब कुछ यहां आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये देखिए, ये इसकी मैं बात कर रहा था सेकंड पेज के अंदर, ये देखिए कैटेगरी एंड एजुकेशन, इस पेज में आपसे पूछेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी आप जनरल कैटेगरी से ऐसे, ये भी कैटेगरी तो आप पहले भर देंगे, लेकिन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर कैटेगरी के अंदर चलो बात कर लेते हैं, ईवीएस का ईडब्ल्यूएस वाला अगर आपका सर्टिफिकेट है वो तो आपने ओबीसी भरना चाहिए था, इसमें अभी देख लेना, कंफर्म कर लेना ये वाली बात, ठीक है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। मेन अब बात करते हैं एजुकेशन की, ये देखिए एजुकेशन जो हम बात करते हैं तो इस पेज के ऊपर बेसिक पहले एक बॉक्स होगा नीचे यहाँ पे, ठीक है, पहले नीचे एक बॉक्स होगा यहाँ पे, आपकी बेसिक एजुकेशन है बस, ठीक है, बेसिक एजुकेशन का आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल यहां इसको जनरली नहीं लेना है, क्यों जनरली इसलिए नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल 65% आप भर देते हो और आपके मार्क्स हैं कितने 64% या 64.1%, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना कि एग्जैक्ट ही भरें आप मार्क्स अपने। इसी तरह सब्जेक्ट्स में देखिए जो कॉलम है ये कई बार भर जाते हैं, ठीक है, तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाऊँ तो हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब होता है, तो अब हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब लिखने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं आप, एचसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो पोल साइंस कर सकते हैं, पोल डॉट साइंस, ऐसे आप लिखना, पूरा पूरा भरने की जरूरत नहीं है, ओके, बोर्ड समझ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन, ये 10th की पूछती है, 10th 12th और
फिर ग्रेजुएशन। इसके नीचे अगर आपने एडिशनल आपके आपने कुछ कोर्स किया है, कुछ ऐसा डिप्लोमा में जैसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया या फिर कोई एडिशनल, तो आप यहाँ पे स्किल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगला पेज जो कि है वो है सर्विस प्रेफरेंस का। सर्विस प्रेफरेंस वाले पेज के अंदर दो बहुत है, एक तो सर्विस प्रेफरेंस पूछी गई है और दूसरा आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है। जो आप बात कर रहे थे कुछ छुपाना नहीं है, कुछ वो नहीं करना, ये हम उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए सर्विस प्रेफरेंस है जो, ठीक है, सर्विस प्रेफरेंस के अंदर आपको कोई सेलेक्ट करना है कि जो आपको नंबर वन पे चाहिए उसका आगे वन लिखना है ऐसे ऐसे करके। और पिछली बार जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है, ये सब एकदम यहां पे क्लियरली मेंशनड है। अगर आपको सीआईएसएफ नंबर वन में भरनी है, सीआरपीएफ नंबर वन में भरनी है, तो उसके आगे वन लिखिए, ओके, इस हिसाब से भरनी है। और किस हिसाब कैसे क्या माइंड में रख के भरना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लीज आप वही रख के अपना सर्विस प्रेफरेंस यहां भर सकते हैं। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा गया, पूछा जाएगा कि एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो प्लीज आप मेंशन कीजिए, एजुकेशन वाले पेज के ऊपर मिलेगा आपको एनसीसी का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज मेंशन कीजिए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्सपेशली इफ यू हैव एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ओके। और हम बात करते हैं क्या आप पहले कहीं पे काम करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे आपके दो पॉइंट आपको क्लियर करके बताता हूँ। पहला पॉइंट ये कि आपको वो भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना खर्चा चला रहे हैं, चाहे आपकी इनकम कितनी भी है, तो आपको वो भरनी ही चाहिए, आपको वो काम करना ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, चाहे 8,00,000 की नौकरी कर रहे हैं, हम जब भी कोई फोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या काम करते हैं, हम क्यों ज्वाइन करते हैं, हम इसलिए ज्वाइन करते हैं फोर्स क्योंकि हमें इसके अंदर इंटरेस्ट है, हमें इस काम के अंदर इंटरेस्ट है, इसीलिए हम फोर्स ज्वाइन करते हैं। तो पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप मैच्योर पर्सन है, ठीक है, रादर देन कि उसको छुपाना है कि मेरी सैलरी कम थी या ऐसा कुछ है। और यहीं पे दूसरी बात आ जाती है एग्जिट की, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। क्यों बढ़ा चढ़ा के इसलिए नहीं बोलना कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 8 है और आप उसको बता रहे हो कि मेरी 20,000, 40,000, ये करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आपको वहां पे आपकी सैलरी के ऊपर जज नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो बताइए, बस अगेन ध्यान ये रखना है कि आप पहले ही अपना क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ना, यू कैन गाइड योर इंटरव्यू बाय द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे, आप पहले ही ये ध्यान में रख लीजिए, पहले ही ये सोच लीजिए कि जो आपने काम किया है वो आपके फ्यूचर के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट कैसे काम आएगा, आप बोर्ड को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैं यहां पे काम कर रहा था तो मेरे से बोर्ड ने पूछा था क्वेश्चन ये, और मैं पहले ही तैयार करके गया था तो मैं उसको अच्छे से टैकल कर पाया, ओके। तो कुछ छुपाना नहीं है, कोई सिंड्रोम, कोई कॉम्प्लेक्स में आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से अपनी जो भी एग्जैक्ट डिटेल्स आप भरिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हॉबी पेज की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है हॉबी पेज की। हॉबी पेज जो देखिए आप, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें पहले पूछा गया लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल इसमें पूछा रीड राइट, रीड एंड राइट ऐसे करके कि आपकी आपको हिंदी, सॉरी, अपने जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो आपको कितनी आती हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, कई लोग क्या करते हैं लैंग्वेज ज्यादा दिखाने के लिए कि मेरे को ज्यादा लैंग्वेज आती है, वो क्या करेंगे, क्योंकि 10th तक हम पढ़ते भी ज्यादातर क्या करेंगे, वो संस्कृत लिख देंगे, ठीक है, और टिक कर देंगे वी कैन रीड इट, वी कैन राइट इट एंड वी कैन ऑल्सो स्पीक इट। अब यहां पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आपको लगता है कि लैंग्वेज क्या मैटर रखती है, बोर्ड पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन बोर्ड आपसे सीधा सीधा वहां पे पेन और पेपर रखा होता है आपके सामने, टू बी प्रिसाइज पेन, पेंसिल और पेपर आपके सामने लिखा होगा, बोर्ड कैन आस्क यू टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन संस्कृत, सो इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन संस्कृत ओनली देन यू शुड मेंशन इट, अदरवाइज यू शुड लीव इट। सिमिलरली दे कैन आस्क यू टू राइट समथिंग इन संस्कृत ऑन द पेज विच दे हैव गिव यू, मतलब आपको पेज मिलेगा उसके ऊपर लिखने को भी बोल सकते हैं। तो चाहे ये तो संस्कृत तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, कोई भी भाषा जिसके अंदर आप कंफर्टेबल नहीं है आप वो मत लिखिए, ठीक है, अदरवाइज डू इट सिंपल हिंदी, नो इशूज,
ओके नेक्स्ट है जो हॉबी की हम बात कर रहे हैं। देखिए हॉबी के अंदर तीन चीजें आपसे पूछते हैं हॉबी में, हॉबी पेज के ऊपर। पहली चीज क्या पूछते हैं, प्लीज प्राइज मेडल एंड स्कॉलरशिप। सेकंड होगा गेम स्पोर्ट्स एनसीसी अगर आपने किया है तो, पोजीशन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर हम जितना ज्यादा भरेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यही जो मैंने आपको डेफ दिखाया है इसी के अंदर आप देखिए कितना एकदम घिचपिच हो गया, पूरा भर दिया है पूरा ये। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों कैटेगरी के अंदर जरूरी, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों कैटेगरी भरनी है। मैंने खुद दो कैटेगरीज खाली छोड़ी थी, आई हैव स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इवन गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। ओके, तो पहली बात तो चारों की चारों कैटेगरीज भरने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट ओपन, यू कैन लीव इट ब्लैंक। ठीक है, इवन देन जब आपसे पूछे कि हैव यू वॉन प्राइज मेडल एंड स्कॉलरशिप, तो कोशिश पता आपको क्या करनी है कि दो आपके बेस्ट चुनिए और उसको बढ़िया क्रिस्प फॉर्म में, मैं कहता हूँ कीप इट क्रिस्प, यही वो एग्जाम्पल है, यू हैव टू कीप इट क्रिस्प। यही कि आपको सिर्फ आपके जो दो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो उठाइए और डालिए, या फिर दो ऐसे अचीवमेंट जिसको आप जस्टिफाई कर सके कि मेरे को मेरी सर्विस के लिए ये हेल्प करेगा, ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड में या फिर कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बस इतनी सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट जो हम जो बात करते हैं वो है टीम स्पोर्ट्स एनसीसी। यहां पे भी चारों के अंदर दो से ज्यादा तो आपने लिखना ही नहीं, किसी हालत में भी दो से ज्यादा मत लिखना बिल्कुल, और बहुत अच्छे क्रिस्प फॉर्मेट के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं आप atul@abhimanyu.com के ऊपर अपना डेफ भेजें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर कैसे कैसे और एडिट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से पोजीशन डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, अभी ये देखिए आठवीं क्लास में मॉनिटर बना था मैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कीप इट टू कॉलेज लेवल, ओके कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, मैं तो कहूंगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ही या कॉलेज लेवल पे लिखिए, ज्यादा ही करो तो प्लस वन प्लस टू या प्लस टू पे। अब मैं पांचवी क्लास में बना था, आठवीं क्लास में बना था, दसवीं क्लास में मॉनिटर बना था, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, या फिर आजकल हाउस का जो चक्कर है कि मैं हाउस कैप्टन रहा था, वो आप लिख सकते हो। हमारे कॉलेज के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते थे या इलेक्ट होते थे, आप वो लिख सकते हो। जो बड़ी अचीवमेंट है वहां आप मेंशन कीजिए कि जहां आपको दिख सके। अगर आप छोटी छोटी चीजें लिखेंगे ना तो पता क्या मैसेज जाएगा, तो मैसेज जाएगा कि द पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऐसा मैसेज जाएगा। तो आपको वैसा मैसेज नहीं कन्वे करना है, आपको क्रिस्प फॉर्म के अंदर जो आपकी सही में आपको लगता है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो सही में आपको हेल्प कर सकती है वही लिखना, सब कुछ मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अदर को अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। अगेन यहाँ पे भी आपको यू नहीं है कि आपको सब कुछ लिखी देना, ऐसा नहीं है यार। आपको जो भी हॉबीज लिखोगे या इंटरेस्ट लिखोगे वो रेलेवेंट होना चाहिए। कई लोग लिख देते हैं टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, टॉकिंग विद पीपल, रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिखते हो कि आई लाइक टू रीड, आप ऐसे लिख सकते हो आई लाइक टू रीड नॉवल्स, देन इट इज गुड। ठीक है, आई लाइक टू कीप myself फिट, ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ डू यू कीप yourself फिट, सो दैट व्हाट कैन यू कैन डू, यू कैन रिलेट इट टू अवर योर ड्यूटी कि हाँ मेरा काम भी ऐसा है, आई कैन कीप myself फिट। ठीक है, आई लाइक टू सिंग, तो क्या गाते हो, कैसा गाते हो। ठीक है, आई लाइक टू रीड पोएट्री, ये सब आप इस हिसाब से क्रिस्प फॉर्मेट में लिखिए, rather than कि एक के बाद एक। देखिए कम चीज लिखने का फायदा ही, एक तो हाईलाइट अच्छे से होता है, दूसरा बोर्ड को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज ये होती है कि आप जो भी कम लिख रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से हर एंगल से प्रिपेयर कर सकते हैं बिना टेंशन के, समझ रहे, यही मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट जब हम जो बात करते हैं अगली जो इसके बाद, ठीक है, एक और यहां पे नीचे मैं पॉइंट था देख रहा हूं, यस, जब मैं कह रहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि खासकर देखो मेरा भी बहुत लेट सिलेक्शन हुआ है, तो क्या करते हैं कि अपने जो पहले CAPF के अटेम्प्ट दिए हैं, सिविल सर्विस के अटेम्प्ट दिए हैं, CDS के अटेम्प्ट दिए हैं, वो सब चीज़ आपने लिखी नहीं इस मारे की यार ये तो बड़ा सीनियर है कब से पेपर दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा अपना बताइए विद रोल नंबर, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, बल्कि वो जस्टिफाई आप अगर उसको अच्छे से कर देते हैं तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। और फिर भी अगर बात करते हो तो आपकी देखिए परसिवियरेंस दिखती है आपकी कि बंदा परसिस्टेंट है, तैयारी कर रहा है, हार नहीं मानता, ओके, तो कोई भी चीज छुपानी नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं छुपानी है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यह है समरी शीट। समरी शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता नहीं होगा कि जो बोर्ड के पास जो होता है, जो चेयरमैन के पास आपका पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पूरा डेक होता है आपका, लेकिन जो अभी पिछले साल तक 4 मेंबर थे सीएपीएफ के बोर्ड इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, तो बाकी 3 के पास सिर्फ आपकी समरी शीट होगी। और समरी शीट के ऊपर ये देखिए जो मैं आपको कह रहा था, कीप इट क्रिस्प, ये जो मेन पार्ट है ये पूरा भर गया है हॉबी वगैरह से, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो दो अगर लाइन अच्छे अच्छे लिखी होंगी प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है यहाँ पे बॉस। ओके, यहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा आपको कि आपकी समरी शीट बिल्कुल क्लीन आएगी, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, और बाकी जो मेंबर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फालतू में कुछ ज्यादा चीज घुसाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, अब यही आपकी समरी शीट आपका मेन होगा, आपको देखना कि समरी शीट कैसे लगेगी, ठीक है, देख, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि डेफ जब आप भरें तो उसको प्रॉपर जल्दी में ना भरें, बहुत ध्यान में रखें, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने चाहिए आपको। ऐसे ही आप अपना डेफ भरिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी शुरू कीजिए, पहले आप अपना डेफ कंप्लीट कीजिए और बहुत जल्दी उसके बाद अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के, एक स्पेशल लाइव क्लास बना के आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं। तो अभी अपना डेफ जैसे 30th को आपका निकलता है, ठीक है, आप भरना स्टार्ट कीजिए और हमें भेज दीजिए ताकि हम आपकी जितने पॉसिबल हेल्प है वो करें और आपको अच्छे से गाइड कर पाए, ठीक है। मेरा नाम आपको पता है अतुल सांभरिया है, और मैंने इस साल ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2018 में। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी यहां भी बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूं, यहां आप भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, होप कि ये सेशन अच्छा रहा होगा और आपको आपके डेफ के अंदर भरने में ये मदद मिलेगी। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।